अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। एक्सरसाइज नाउ टुडे टॉपिक क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 6A। इफ ए प्लस 1 बाय ए इज इक्वल टू, फाइंड द फॉलोइंग। अगर आपको याद हो जो हमारा जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्लस 1 बाय ए, उसमें आपको वैल्यूज जो गिवन थी ना, यहाँ पे ए के रिप्लेसमेंट में डी था और 1 बाय ए के रिप्लेसमेंट में 1 बाय डी था, ऐसे ही। अब हमने बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही हमने फाइंड करना है। अब आप इन क्वेश्चंस में देखिएगा कि ए प्लस 1 बाय ए की वैल्यू आपको पास गिवन है और आपने फाइंड करनी है। ए पार्ट है ए स्केयर प्लस 1 बाय ए स्केयर। सॉल्यूशन की तरफ आए इसके, तो इसके सॉल्यूशन में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको आपने फाइंड करना है, ए स्केयर प्लस 1 बाय ए स्केयर आपने फाइंड करना है। वैल्यू आपको गिवन है ए प्लस 1 बाय ए इज इक्वल टू, ये आपको आपको वैल्यू गिवन है। एज वी नो दैट, अब हम इस पर कौन सा अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन हो जाए कि हम इसको फाइंड कर सकें। देखिए, हमने ये फार्मूला ऑब्वियसली हम ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि आपके पास यहाँ पे देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकेंड टर्म है, इनका आप होल स्क्वायर ले लो। इसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले को फिर आप एक्सपेंड कर लोगे अभी तक, तो आपको ये फार्मूले अपनी याद प्रैक्टिस कर ली होंगे। अब देखें यहाँ पे हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए। फर्स्ट टर्म हम क्या लेंगे हम ए, और सेकंड टर्म बी नहीं लेंगे बल्कि हम क्या लेंगे, वन बाय, क्योंकि हमने फाइंड करना है ए वन बाय इसके। तो हम फर्स्ट टर्म हम ए लेंगे और सेकंड टर्म हम क्या लेंगे, वन बाय ए, ए प्लस वन बाय ए होल स्केयर। अब इसको आप ओपन करें, इसे एक्सपेंड करें। फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस टू, फर्स्ट टर्म वो आपके पास ए है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है, वन बाय ए है, प्लस सेकंड टर्म का आपने क्या लेना है, स्केयर। तो सेकंड टर्म आपके पास वन बाय ए होल स्केयर। ओके, इज दैट क्लियर। अब इनके स्केयर्स को एक्सपेंड करें, ए स्केयर प्लस ये ए डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वन और टू रह जाएगा, तो टू वन जार टू, प्लस वन बाय ए का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा, वन का स्केयर आपके पास वन ही आएगा और ए स्केयर। ओके, अब हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर। तो देखिए यहाँ पे ये ए है, ये वन बाय ए स्केयर है, इस क्वेश्चन को हम रीअरेंज कर लेंगे, ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर। अब ये टू है, ये हमें टू यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी ए प्लस वन बाय ए होल स्केयर, ये प्लस टू है, यहाँ पे आके माइनस टू हो जाएगा, तो इज इक्वल ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर। अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन थे, हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आप देखें ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल थी, ए प्लस वन बाय, यहाँ पे देखिए ए प्लस वन बाय ए किसके इक्वल है, टू के। यहाँ हमने टू की पुट किया, यहाँ पे हमारे पास होल स्केयर है, तो टू का भी हम होल स्केयर लेंगे, माइनस टू। इसके बाद क्लास ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर, यहाँ पे टू टू जार फोर, माइनस टू, फोर में से टू सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आ जाएगा टू, तो ये हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड कर ली, ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर इज इक्वल टू, सो इजी। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन फोर पार्ट बी। ए माइनस वन बाय ए हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें, ए माइनस वन बाय ए हमने फाइंड करना है और वैल्यू हमें गिवन है ए प्लस वन बाय ए इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू गिवन है। ए माइनस वन बाय ए हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे कौन से वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम यूज़ करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म, अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो आपने ए माइनस बी ही नहीं लेना, जो हमने फाइंड करना होता हम टर्म्स वो अंदर यूज़ करेंगे। आपके पास फर्स्ट टर्म हम क्या लेंगे, ए, सेकेंड टर्म हम क्या लेंगे, वन बाय ए, तो ए माइनस वन बाय ए होल स्केयर। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसे आपने एक्सपेंड करना है। फर्स्ट टर्म आपके पास ए, ए होल स्केयर, फर्स्ट टर्म का स्केयर। अब देखें बाय मिस्टेक मैंने यहाँ प्लस लगा दिया क्योंकि मेरे माइंड में नहीं रहा कि हम माइनस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करें, यहाँ पे माइनस है, सो यहाँ टू के साथ क्या आएगा, माइनस, ये प्लस नहीं आएगा, माइनस टू। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म है हमारे पास वन बाय ए, प्लस सेकंड टर्म का हम क्या लेंगे, स्केयर। फर्स्ट टर्म का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर, ये ए ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टू, और वन बाय ए का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा, वन बाय ए स्केयर। ओके, अब हमने ए माइनस वन बाय ए हमने फाइंड करना है और ए प्लस वन बाय टू की वैल्यू हमें गिवन है।
अब स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे हमारे पास a माइनस वन बाय ए होल स्केयर इज इक्वल, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर। अब ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर ये हमारे पास वैल्यू कहाँ से आएगी, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे जबकि हमें तो वैल्यू गिवन है ए प्लस वन बाय ए, ए प्लस वन बाय ए हमें वैल्यू गिवन है ना, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास तो ए स्केयर प्लस वन बाय, हमने पार्ट ए में अभी फाइंड की है वैल्यू, ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर की वैल्यू भी किसके इक्वल आती है टू के, तो मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। तो ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर इज इक्वल टू माइनस टू, हम वैल्यूज पुट करेंगे तो टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और ये हमारे पास ए माइनस वन बाय ए होल स्केयर है, जस्ट हमने ए माइनस वन बाय ए फाइंड करना है। सो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम स्केयर रूट लेंगे तो ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो का स्केयर रूट जीरो ही होता है, सो ए माइनस वन बाय इज इक्वल टू जीरो, दैट इज पार्ट बी। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन फोर पार्ट सी एंड लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज सिक्स, ए स्केयर माइनस वन ओवर ए स्केयर हमने फाइंड करना है, वन बाय ए स्केयर हमने फाइंड करना है, सॉल्यूशन है ए स्केयर माइनस वन बाय ए स्केयर ये हमने फाइंड करना है, और ए प्लस वन बाय इज इक्वल टू ये वैल्यू हमें गिवन है। ओके एज वी नो दैट, अब बताइए हमने ए स्केयर माइनस वन बाय ए स्केयर हमने फाइंड करना है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम करेंगे ए स्केयर फर्स्ट टर्म का भी आपके पास स्केयर हो या सेकंड टर्म का भी आपके पास स्केयर हो और मिड में आपके पास साइन माइनस में है, तो हम इसे वन टाइम माइनस और वन टाइम हम इसे प्लस में लिखेंगे। अब देखिए क्लास यहाँ पे ए स्केयर माइनस वन बाय ए स्केयर है, तो हमने ये फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ में हमारे पास फर्स्ट टर्म का भी स्केयर है, सेकेंड टर्म का भी स्केयर और मिड में क्या है आपके पास माइनस आ रहा है। एज वी नो दैट जब आपके पास इस तरह से हो तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं कि यहाँ पे आपके पास ए स्केयर है यहाँ भी स्केयर है, तो इनकी वैल्यूज़ को हाफ कर देंगे, ए स्केयर माइनस वन बाय ए स्केयर इज इक्वल ए प्लस वन बाय ए माइनस वन बाय, ये आपके पास इक्वेशन आ रहा है। अब अगर हम इस टर्म की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, इस टर्म की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ए प्लस वन बाय ए की वैल्यू तो हमें गिवन है, ए प्लस वन बाय ए इज इक्वल टू आपके पास टू है, ए माइनस वन बाय ए की वैल्यू आपके पास कहाँ गई, कहाँ से आएगी, ए माइनस वन बाय ए की वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला लगा के इसको क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ए माइनस वन बाय ए की वैल्यू हमने प्रीवियस पार्ट बी में अभी हमने फाइंड की है, वो आपके पास क्या है, ए माइनस वन बाय ए इज इक्वल टू जीरो। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन आर, इक्वेशन आर में हम वैल्यूज पुट करेंगे, स्केयर माइनस वन बाय स्केयर ये आपके पास है, तो इस टर्म की वैल्यू आपके पास टू है, इस टर्म की वैल्यू आपके पास जीरो है, तो टू को जीरो से मल्टीप्लाई, किसी भी डिजिट्स को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है जीरो, सो ए स्केयर माइनस वन बाय ए स्केयर इज इक्वल टू जीरो। सो एक्सरसाइज सिक्स ए हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसका सी पार्ट था।